अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमरीन राहील। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मिल्क 1 लीटर, मैंने जेली ली है बनाना और स्ट्रॉबेरी जो कि मैंने बना के रख ली है, कंडेंस मिल्क 2 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, शुगर मैंने 3 टेबल स्पून लिया क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क लिया है इसलिए मैंने शुगर कम की है, फ्रूट टिन लिया है मैंने 1 बाउल, 1 केक लिया है मैंने, हमारे केक की रेसिपी आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी, कीवी ली है मैंने 2 अदद, 4 से 5 अदद स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, बनानाज लिए हैं और एप्पल लिए हैं 2 अदद। पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें हम ये 1 लीटर ऑफ मिल्क जो है उसको बॉयल होने रखेंगे। दूध बॉयल होने का अब हम वेट करेंगे कि हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो जाए। मैंने 1/2 कप ऑफ मिल्क बचाया है जो कि मैं कस्टर्ड पाउडर में हल करूंगी ताकि कस्टर्ड पाउडर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। दूध बॉयल हो गया है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और जो मैंने कंडेंस मिल्क रखा था वो डालेंगे। इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे दूध में। 1/2 कप ऑफ मिल्क जो मैंने बचाया था उसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डिसॉल्व कर दिया है। अब हमने जो दूध बॉयल किया था जिसमें हमने चीनी डाली थी और कंडेंस मिल्क, अब उसमें डाल के अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। कस्टर्ड पाउडर अब डालेंगे लेकिन बहुत स्लो स्लो डालेंगे ताकि कोई लम्स ना बने, और साथ साथ एक हाथ से चमचा भी चलाते रहेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर डाल के हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है, अब ये थिक हो गया है, हम इसको एक तरफ ठंडा होने रखेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है, अब हम इसमें से फ्रूट ऐड करेंगे। एप्पल्स मैंने कट करके रखे हैं ये डालेंगे, बनानास डालेंगे, 1 बाउल जो फ्रूट टिन था वो ऐड करेंगे। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि कस्टर्ड में मिक्स हो जाए ताकि हर फ्रूट हर बाइट में आपके आए। हम सर्विंग डिश में निकालेंगे। सर्विंग डिश में सबसे पहले हम केक सेट करेंगे। अब ये स्ट्रॉबेरीज मैंने गोल कट करके रखी हुई हैं, इनको डिश में सेट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद अब स्ट्रॉबेरीज सेट करेंगे कि जब हम इसमें कस्टर्ड डालें तो ये स्ट्रॉबेरीज बाउल्स में से नजर आए। अब स्ट्रॉबेरी के बाद कीवी सेट करेंगे। डेकोरेशन सेट हो गई है बाउल में, अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। अब हम इसकी जेली से डेकोरेशन करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।